हेलो दोस्तों, एचडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभी निफ्टी 50 या निफ्टी पे आपको फुल एनालिसिस देने वाला हूँ, क्योंकि मंडे को क्या होगा, मार्केट में मार्केट अप होगा या डाउन होगा, कि फुल ये एनालिसिस मैं आपको दूंगा। दोस्तों, इसमें क्या है कि आप अगर निफ्टी के बारे में अधिक से अधिक नॉलेज रखते हैं तो आप कभी लॉस नहीं खा सकते स्टॉक मार्केट में। तो मैं आपको निफ्टी के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इसमें निफ्टी का क्या है दोस्तों, एक निफ्टी अभी क्या डिपेंड कर रहा है, पूरा US मार्केट पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस का पेंडेमिक सब पे असर पड़ा है। तो अभी हमें US को देखना बहुत जरूरी है। US एंड चाइना के बीच में रेगुलरली टॉक हो रही है, जैसे US वर्सेस चाइना, ए न्यू एरा ऑफ ग्रेट पावर कंपटीशन बट विदाउट बाउंड्रीज। कोई बाउंड्रीज नहीं है, ये करंट न्यूज आ रही है। अब ये देख रहे हैं, एशियन मार्केट एडवांस अहेड ऑफ हाई लेवल ट्रेड टॉक्स बिटवीन US एंड चाइना। हाई लेवल टॉक हो रही है US एंड चाइना के बीच में। अब NSE के वेबसाइट पे जाते हैं हम, इसको देखते हैं कि आखिर क्या क्यों मंडे को मार्केट चढ़ी, मंडे को नहीं सॉरी दोस्तों, ये फ्राइडे को मार्केट चढ़ी फिर डाउन हो गई, गिरते चले गए। क्योंकि दोस्तों इसमें जो एक लेवल है ना, अब किस पहले देख लेते किस किस कंपनीज ने मार्केट को अप किया था। इसमें देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, फार्मा की कंपनीज है, टेक महिंद्रा, ड्रेडी, नेस्टलैंड, रिलायंस, जील। दोस्तों रिलायंस के बारे में मैं ये कहूँगा, सभी कह रहे थे कि रिलायंस 1500 से अप नहीं जाएगा, 1500 से अप नहीं जाएगा। मैंने उस टाइम भी रिकमेंड किया था रिलायंस को, रिलायंस 1500 अप जाएगा, क्योंकि रिलायंस की क्रूड ऑयल की वजह से काफ़ी लॉस हुआ था, लेकिन उसने क्या किया था, बहुत सारे डील कर लिए थे, जिसकी वजह से रिलायंस को अप जाना ही था। जो हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने रिलायंस में पैसा लगाया। अभी दोस्तों अभी क्या है, ऑलरेडी जो प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट में है। मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रिलायंस को या तो सेल करिए या रिलायंस को आप बाई करिए, क्योंकि रिलायंस कभी भी कोई भी मूवमेंट दिखा सकता है। हाँ, जो बेनिफिट ले चुके हैं वो उसमें बने रहें, क्योंकि रिलायंस का मैं अभी जो करंट सिनेरियो देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये रिलायंस अभी भी अप जाएगा। अब कोटेक बैंक की बात देखें, कोटेक बैंक भी काफ़ी चढ़ी थी फ्राइडे को, लेकिन अभी बैंकिंग सेक्टर क्या है, बैंकिंग सेक्टर में अभी मैं देख रहा हूँ कि ये डाउन ट्रेंड में जाने वाली है। बैंकिंग सेक्टर का और भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इनका इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है। दोस्तों ये देखते हैं, अगर जैसे कि डेरिवेटिव वाइज जो देखते हैं, तो इंडेक्स ऑप्शन में ये इंडेक्स ऑप्शन मैंने ये खोल के रखा है, इससे जाके आप डेरिवेटिव ऑप्शन का इंडेक्स भी देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे आते हैं। इसका जो ये डेली चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसने 9373 का हाई बनाया था और लो बनाया था इसने 9276 का। तो क्योंकि निफ्टी का जो पोजिशन है, ये 9350 का जो इसका एक बाउंड्रीज है, 9350 से ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इसका। और जो इसके ये है, वो ये कह रहे हैं कि ये 95,000 तक इसका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, 9500 पे, और फिर ये 9500 से अपने जाएगा अभी, और ये डाउन जाने का इसका एक रेजिस्टेंस 90,000 पे दिख रहा है। यानी कि 9,000 पे एक इसका रेजिस्टेंस हो गया, और एक 9500 पे इसका एक रेजिस्टेंस देख गया, मतलब इन दोनों के बीच में ही ये अभी करंटली सिनेरियो जो बता रहा है वो रहेगा। और अभी इसका मंडे को क्या है, ये गैप अप ओपन होने वाला है, और ये गैप अप ओपन होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जितना 2% या 3% गैप अप होगा। अब डाउजोन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये क्योंकि डाउजोन 30 का हमें इंडेक्स देखना बहुत जरूरी है, तो इसमें देख लेते हैं जो इसने बनाया था। इसका एक रेजिस्टेंस 24114 पे दिख रहा है, और रेजिस्टेंस 2 जो है 24118 पे दिख रहा है, और रेजिस्टेंस 3 जो दिख रहा है वो 24357 पे दिख रहा है। और इसका टेक्निकल सपोर्ट लेवल जो देखते हैं, जो सब ये रेजिस्टेंस थी, और सपोर्ट लेवल इसका 23872, 23633, और सपोर्ट 3 जो है 23629 पे दिख रहा है। अभी मैं आपको डाउ जोन 30 का इंडेक्स क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फुली इंडियन मार्केट जो है वो US मार्केट पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि US मार्केट अगर चढ़ेगी तो इंडियन मार्केट चढ़ेगी, US मार्केट डाउन होगी तो इंडियन मार्केट डाउन होगी। ये US मार्केट की देख लेता हूँ, अब करेंट सीनेरियो ये है, ये अगर ऊपर चली जाती है तो इंडियन मार्केट गैप अप ओपन होगी, अगर ये डाउन हो जाती है तो इंडियन मार्केट गैप डाउन ओपन होगी। ये पूरी इसी पर डिपेंड कर रही है। अभी मैं ये देख लेता हूँ क्रूड ऑयल की थोड़ी पोजीशन देख लेता हूँ, क्रूड ऑयल में क्या पोजीशन है। क्रूड ऑयल 1853 पे चल रहा है, क्रूड ऑयल अभी मेरा मेरा ये सलाह है कि क्रूड ऑयल अभी अप जाएगा। अभी डाउजोन मैंने इसमें अमेरिका मार्केट ये देख लेता हूँ कि अभी अमेरिकन में क्या क्या करंट में अभी न्यूज आई है। अमेरिका अर्थव्यवस्था गर्मियों के अंत तक पटरी
पर लौटेगी। वित्त मंत्री जो वहां के हैं स्टीवन मुनुचिन, उन्होंने कहा है आज करंट सिनेरियो में अमेरिकी अर्थव्यवस्था गर्मी के अंत तक पटरी पर लौटेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास में इससे बड़ी कर कटौती की घोषणा की। अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी कर कटौती की घोषणा की है। ट्रंप से अमेरिका अर्थव्यवस्था की मजबूती लेकिन दुनिया के लिए होगी परेशानी, आईएमएफ चीफ क्रिस्टिन लेनार्ड का कहा हुआ है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आपको अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं या करेंट सीनियर जो भी अच्छे लगते हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं या सब्सक्राइबर बन सकते हैं, आप कृपया इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको कोई भी डीमेट अकाउंट खोलना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप डीमेट अकाउंट भी हमारे थ्रू खुलवा सकते हैं। और अगर आप हमारी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं या हमारे साथ, आपको अगर अच्छा लगता है ट्रेडिंग करना है तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों हम तीनों क्लासेज भी देते हैं और कॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको हमारे साथ न्यूज़ अच्छी लगती है, अगर हम करेंट सिनेरियो में हमारी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल अच्छी लगती है तो कृपया हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।